रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर बना रही है सहरी। सहरी में अंडे फ्राई कर रही है और ये है सालन। आज अवतार में बनाया था सिस्टर ने चिकन और अरबी का सालन। yes. साथ में ये है कोयटा रेस्टोरेंट के पराठे, ठीक है। yes. ये भी अंडा है, ये चाय है, ये सालन है मेरा और ये चाय है, ठीक है। तो आज जो है रोजा रख रहे हैं हम, दूसरा पराठे और अंडों के साथ, और इसके अलावा ये सालन है तार वाला और बॉइल्ड एग है ना। ये देखिए सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट के चैनल पर। आज देखिए अफ्तार में, देखिए माशाल्लाह ताला रोजे रमजान की इतनी बरकत होती है कि किचन और दस्तरखान भर जाते हैं चीजों से। माशाल्लाह, हमारा भी दस्तरखान भरा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तो देखिए ये कचनार है, कचनार आया था तो कचनार ये वालदा साहिबा ने और सिस्टर प्यारी ने मिलकर साफ किया है। आज बनेगा कचनार और चिकन बनाएंगे। कचनार चिकन, कचनार और चिकन बनाएंगे। कचनार और चिकन बनाने के लिए डिनर में कचनार और चिकन बनाएंगे। कचनार और चिकन बनाने के लिए यहाँ पर प्याज है, लहसुन है, ठीक है। yes. और इसके अलावा अफ्तार में बनाने के लिए फ्रूट चाट बनाने के लिए आजकल स्ट्रॉबेरीज देखें बहुत अच्छी आई हैं। जब सीजन में आई हैं हम खूब सारी खा रहे हैं। ये स्वीट एंड सावर होती है, खट्टी मीठी सी होती है, तो ये जरूर खाया करें, पेट के लिए अच्छी होती है। फ्रूट चाट बनाने के लिए हमने ले लिया स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर है ओलपर क्रीम, ये वाली ओलपर क्रीम ही हमें पसंद लगती, अच्छी लगती है। और इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल टिन ली है, ये वाला और ये वाला, एक ट्रॉपिकल है और एक प्रीमियम है, ठीक है। ये दोनों जो है फ्रूट चाट में डलते हैं, ठीक है। विद सिरप डलेंगे, इनमें सिरप होता है वो भी डलेगा, ठीक है। yes. फ्रूट चाट बनाने के लिए हमने ले लिया सेब, ये वाला सब्ज वाला जूसी सेब। बनानास ले लिया, बनाना तो बहुत महंगा, वैसे तो हर चीज ही महंगी है। और इसके अलावा दो स्प्राइट है, ये ठंडी ठंडी है, इनसे बनेगा अच्छा सा लेमन सोडा, ठीक है। तो लेमन सोडा बनेगा अच्छा सा। और इसके अलावा इधर है हमारे पास ओलपर मिल्क, दिखाओ, ओलपर मिल्क भी है, ये चाय और मीठा बनाने के लिए, ठीक है। और इधर दही है, दही के बनाएंगे आज दही बल्ले। आज हमारे दस्तरखान पे होगा फ्रूट चाट और दही बल्ले, ये ज्यादातर होता है हमारे दस्तरखान पे, ये बेसन है, ठीक है। तो अभी जो है सिस्टर जो है ये अच्छे से ऊपर चिलर में लगा के आती है, फ्रीजर में, ठीक है, ये लगा के आओ। तो सबसे पहले हम कचनार धो लेते हैं ताकि कचनार भी साथ साथ डिनर में बनाएंगे। कचनार को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। यस, ये देखे ना कितना बड़ी बड़ी कली है, कली में धो लेते। स्टेनर देखो ना कितने छोटा बड़ा है ना, हर साइज के स्टेनर भी होगा ना। इसको अच्छे पानी से, खुले पानी से धो लेंगे, ठीक है। yes. पहले भी मैंने बनाया था कचनार, कीमा बनाया था। सिस्टर ने इस सीजन में दो दफा कचनार बना yes. चुकी है, कचनार और कीमा, कचनार और चिकन बनाया yes. था सिस्टर, बहुत ही टेस्टी होता है। आज भी कचनार और चिकन yes. जब सीजन में चीज होती है हम खूब सारी खाते हैं, जैसे आजकल कचनार है, हरे चने डड्डे हैं यानी के, और इसके अलावा पहले मोंगरे थे, मोंगरे भी खूब खाए हैं हमने, है ना। yes. मटर भी खूब सारे आए हैं, सबने मिलकर छील कर रखे हैं ना। yes. सीजन में जी भाई, बिल्कुल।
और डंडे भी हम छील रहे हैं, आधे छील दिए आधे रह गए। ये जो कचनार के फूल होते हैं ना, जब ये खिलते हैं तो इसकी कड़ी बनती है बहुत मजे की। हमारी जो खानदान है ना, इसमें पोठवार रीजन में कचनार बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत तरीकों से पकाया भी जाता है। यानी कि कचनार और आलू भी बनता है, कचनार और कीमा भी बनता है, और कचनार और आलू भी बनता है, कीमा भी और चिकन भी बना लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है बॉयल होने के लिए पानी। इसको कचनार को, हमारी लाइट भी चली गई है, इसमें डाल देंगे। ठीक है, पहले इसको बॉइल करेंगे। अच्छा, हाँ बॉइल कर लेते हैं। ये ठीक है, मैं लाइट दिखाओ। दही भल्लों के लिए बेसन का बैटर रेडी कर रहे हैं। ठीक है, कचनार हमने चढ़ा दिया और आज कोई बिजली भी खराब हो गई है ना। यस, इस तरह से घोल लेंगे इसको अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, बेसन का बैटर भी हमने रेडी कर लिया दही वालों के लिए। अब हम ये डाल देंगे। ठीक है, yes, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं, दरमियानी साइज के तले डाल देंगे। बल्लों को जो है फ्राई कर लेंगे। ठीक है, बल्ले हमारे घर में रमजान में ही नहीं, वैसे भी बनते रहते हैं ना। yes. बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करेंगे, एकदम फ्राइंग की चीजों को ओवर क्राउडेड करो ना खराब हो जाती है। ठीक है, ये तेल अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी बहुत ज्यादा। इनको थोड़े थोड़े फासले से डालेंगे ताकि ये फूले भी, हमने इसमें सोडा डाला हुआ है ना। ठीक है, ये देखिए बस, ये हमारा एक बैच चला गया बल्लों का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चनार की क्या प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी है। अब हम फ्रूट धो लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमें यूज करना होगा वो हम धो लेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी है, बड़ी 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 प्यारी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में से बहुत फैल निकलती है, स्ट्रॉबेरी को धोया अच्छी तरह करेंगे। ये दिखाओ इतनी मैगी है। एक तरफ से हो जाएंगे, फिर इनको पलट देंगे। तो आज बहुत खूबसूरत बारिश भी हो रही है इस्लामाबाद में। ये देखिए बस पलट लिया, इधर कचनार गल रहा है। देखिए कचनार को हमेशा बिला के पकाते हैं। ठीक है, yes. अब हम फ्रूट्स कट कर लेते।
फ्रूट चाट में ना फ्रूट को बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, ठीक है? यस। दरमियाना चंकी चंकी रखेंगे, मोटा मोटा, ठीक है? जी। ये सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज कट कर रहे हैं, ठीक है? जी। और इसको नाइफ की मदद से निकाल सकते हैं। सही? यस। मैं स्ट्रॉबेरीज कर लूं पोजीशन। और अब हम ले लेते हैं एक डीची और इसमें निकाल लेंगे हल्दी। सही और अब हम डालेंगे नेक्स्ट बैच। ठीक है। यस। ये होगी हमारी स्ट्रॉबेरीज। अब हम हाँ जी बेचता हूँ। यस।
स्ट्रॉबेरीज देखिए कितनी प्यारी है रेड कलर की ना इस तरह से मैंने काटी है मतलब बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं फ्रूट चाट बहुत ज्यादा छोटा छोटा कर दो ना फिर बुरा लगता है खाने में ठीक है। अब हम एप्पल्स ले लेंगे दिखाओ ऐसा यहाँ से सेब ले लेंगे चार पांच ठीक है जी। और इसका छिलका रिमूव कर लेते हैं साथ में हमारा फलों का नेक्स्ट पैच हो रहा है साथ में कचनार जो है पहले सेब को इस तरह से काट लिया जाता है देखिए इस तरह से कट कर लेंगे फिर छिलका उतारना इजी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पहले बीच में से सीड्स रिमूव किए ठीक है यस। और फिर छिलका इसका उतार लेंगे सेब का छिलका जो है बेशक लाल वाला भी होता है ना तो मैं उतार लेता तो आज हमारी जो है किचन में अवतार में बन रहा है दही बल्ले क्रीमी फ्रूट चाट और उसके अलावा बन रहा है कचनार डिनर में बन रहा है कचनार और चिकन और इसके अलावा दस्तरखान में होगी खजूरी उसके अलावा होगी लेमन सोडा होगा जिसमें स्प्राइट और नींबू वगैरह जाएंगे उसकी भी रेसिपी शेयर करते हैं और खजूरें होंगी काफी सारी और खरबूजे कटे हुए होंगे ना जी भाई बिल्कुल। और सिस्टर ने मंगाए हुए समोसे यस। चलो मैं और सिस्टर मिलके जो है ना ये इसके जो है सेब जो है ये पील करते हैं यानी कि इसका छिलका अच्छे से उतारते हैं और साथ में ये जो टिन है कॉकटेल वाला ये खोलते हैं ठीक है। ठीक है भाई सेब को भी हम छिलका उतारने के बाद बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे ठीक है जी चंकी चंकी रखेंगे। फ्रूट चाट में बहुत ज्यादा बारीक करके फ्रूट डाल दो ना तो वो गाढ़ा सा बन जाता है ना जी। इस तरह से चंकी चंकी फ्रूट चाट होनी चाहिए। कभी आप सेवर से खाएंगे बड़ी बड़ी ब्रांड से फ्रूट जो सैलेड नहीं मिलता क्रीमी फ्रूट सैलेड यस वो किस तरह से होता है कितना अच्छा होता है और उसमें कॉकटेल टिन डाला जाता है ठीक है जी। वो जो रशियन सैलेड होता है उसमें थोड़ी चिकन भी डाली होती है ना उसमें बॉइल्ड चिकन होती है उसका उसमें वेजिटेबल्स डलती हैं बॉइल्ड मटर होते हैं और इसके अलावा आलू उबला डाला होता है और ये फ्रूट कॉकटेल टिन डालते हैं। पर हम क्रीमी फ्रूट चाट बना रहे हैं और रशियन सैलेड भी बना रहे हैं
और उसमें क्रीम और मेयोनीज जो है मिक्स करके डाली जाती है ना जी भाई। इसमें हम सिर्फ क्रीम डालेंगे एप्पल्स को कट कर रहे चॉप कर रहे कट कर रहे ठीक है जी। जी रेडी इसमें जाएगा बनाना ठीक है। यस हम इसमें 4 केले डालेंगे ये भी चला गया और ये भी चला जाएगा ये भी चला जाएगा सिस्टर को ले आओ ना नींबू ले दिखाओ। तो देखिए फ्रेंड्स आप बना लेते हैं लेमन सोडा ठीक है। लेमन सोडा डालने के लिए बनाने के लिए पानी लीजिए पहले इसमें डाल देंगे चीनी थोड़ी सी इस तरह से खट्टा मीठा सा ये बनता है ठीक है। जिस तरह सोडा नहीं बाजार से मिलता yes. उस टाइप की किनार की गैस बंद कर दो थोड़ी देर हो गया क्योंकि ये होता है ना दही में जाने के बाद ये दोबारा सख्त हो जाता है yes. ये हमारे पास असली नींबू है हाँ ये वो चाइनीज नहीं है चाइनीज लेमन नहीं है जिसे खट्टी कहते हैं ये वो नहीं है। हमारे पास खट्टी भी है पर ये लेमन है असली वाला ओरिजिनल लेमन ठीक है। इसको कट कर लेंगे इस तरह से इस तरह से और इस तरह ठीक है। और इसको निचोड़ लेते हैं आप लियो जा स्प्राइट लियो ये दिखाओ ये ओरिजिनल लेमन है देखिए इसमें कितना जूस है वो हमारे पास लेमन स्क्वीजर भी वो इधर पड़ा हुआ है। चलो स्प्राइट ले करो हाँ स्प्राइट लियो ये दिखाओ असली लेमन स्प्राइट लिया और वो शीशे वाले ग्लास ले लिया। ये देखिए हमने खूब सारे लेमन जो है स्क्वीज कर लिए अब ये एक लेमन को हम क्या करेंगे इस तरह से कट करेंगे इन 4 पीसेस ठीक है। ये डालेंगे एक एक ग्लास में इस तरह सही है जी। एक और ले लेते हैं ये जाएगा इसमें काला टमाटर ठीक है जी थोड़ा सा और इसमें जाएगी यस दिखाओ जी ये ले जाओ मामा जी ये देखिए सरप्राइज ऐसे लो यस yes. यस ये गई इसमें सरप्राइज और ये देखिए सरप्राइज डालने के बाद ये हमारा बन गया लेमन सोडा देखिए कितना अच्छा है। अब हम डालेंगे यस तो सर्व कर देंगे ये हमारा
फ्राइड लेमन सोडा है, ठीक है, फ्राइड लेमन सोडा। इसमें पुदीने के पत्ते भी थोड़े से कूट के डाले जा सकते हैं। अब मैं सबको सर्व करती हूँ रोजा खोल के। यस सिस्टर जो है साथ साथ ट्रे में रख लेती ना तो इजी हो जाता। मैं डाल देती हूँ ट्रे में रख। तो मैं जो है फिर ट्रे में फ्रूट चाट बनाता हूँ और ट्रे में बड़े संभल कर ये देखिए ये भी हो गया और जो लास्ट वाला है उसे भी ये देखिए। खजूरे भी रखो बेटा, जाओ दस्तरखान पे अब रखो ना चीजें। चलो चलो मेरा बेटा, नहीं चलो गाओ केले भी कट कर लिए। अब हम टीन डाल देंगे, ये हमारा फ्रूट कॉकटेल टीन है जी। और इसको भी निकाल देते हैं। थैंक यू। ये देखिए ये कॉकटेल टीन, ये इसमें जाएगा। यस ये चला गया, सही है जी। और इसमें चला जाएगा ये आधा सिरप डाल देते हैं बीच में और आधे में चीनी मिक्स कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चीनी की जगह यही सिरप इसमें जाएगा। ये क्रीम दिखाओ जान, क्रीम दिखाओ। देखिए क्रीमी फ्रूट चाट किस तरह तैयार होती है, सही माशाल्लाह जी भाई बिल्कुल। इस तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये बन गया हमारा क्रीमी फ्रूट चाट। और भी क्रीम का पैकेट और डाल दो। खजूर भी इसमें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेवा हो गया, बादाम हो गई, पिस्ता हो गया, जितना इसको रिच करना चाहिए कर सकते हैं इसको। ये वैसे ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब सिस्टर जो है ये फ्रूट चाट सर्व करती है। मैंने भले गीले करके रखे हुए हैं और इधर बल्लों के लिए देंगी निकाल देते, ठीक है। ये हमारे पास 1 kg देंगे बल्लों के लिए, ठीक है। फ्रूट चाट सबको सर्व करते हैं। फ्रूट चाट सर्व करो ना, चलो चलो दिखाओ। यस ये दही फेंट लिए बल्लों के लिए, बल्ले गिले करके रखे थे, आप इनको इस तरह से डालते रहेंगे, ठीक है। यस ये बीन चला जाएगा यहाँ ले। माशाल्लाह माशाल्लाह
बचेगा चाट मसाला। प्लेट पे भी डाल सकते हैं जिसने जितना खाना हो। ये देखिए हमारे दही भले भी बन के रेडी है। ये देखिए कैसे बने माशाल्लाह। ठीक है चलो अब मैं ये जाके सब करो सब करती हूँ। अब बन रही है चाय अच्छी सी टेट्रा पैक वाली। बिजली भी आ गई है। यस बिजली भी आ गई और अफ्तारी भी कर ली। और देखिए फ्रेंड ये जो कचनार है ना ये अब कल बनेगा क्योंकि सिस्टर ने बनाए हुए करेले और इसके अलावा करेले भी बने हुए हैं और इसके अलावा बनाया हुआ है क्या कहते हैं उसे खिचड़ी भी बनाएंगे। ठीक है तो ये हम कचनार इसी तरह पानी समेत रखेंगे। ठीक है भाई पानी वैसे भी लेकिन पानी समेत रखते हैं। नेक्स्ट डे बना लेंगे चिकन का मसाला बना के चिकन डाल के ना तो फिर इसको निथाल लेंगे और बना लेंगे ना। सही कह रहे हैं ना भाई आपका भी यही है ना आपकी भी यही रेसिपी है ना। ठीक है कल इंशाल्लाह अभी करेले भी बने और खिचड़ी भी बनी। यस बस इसे फ्रिज में इस तरह से रखेंगे इस तरह से बॉइल कर दिया ना। दिखाता हूँ खिचड़ी और करेले कहाँ करेले फ्रिज में रखती है। मजेदार से चाय पियेंगे जी। मामा जी ला रही हूँ चाय डालो भाई। अब अफ्तारी के बाद थोड़ा गैप लिया है और फिर अब हम चाय पियेंगे ना भाई। यस चाय पियेंगे फिर थोड़ी देर तक डिनर करेंगे। यस क्योंकि फिर जो है हमें सैरी भी करनी है। तो देखिए ये था आज का हमारा अफ्तार। उम्मीद है आपको अफ्तार की वीडियो पसंद आई होगी। जी भाई चलो ठीक है भाई।